लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने 10-11 उसके ऑपरेशंस देखे थे। जो पहला जो था, पहला जो ऑपरेशन था, या पहला ऑपरेशन जो था वो था फ्रंट, जो रिटर्न करता था लिस्ट के अंदर रखी फर्स्ट वैल्यू को। जो दूसरा फंक्शन था वो था एंड, सॉरी, जो दूसरा फंक्शन था वो था बैक, जो रिटर्न करता था लिस्ट के अंदर रखी लास्ट वैल्यू को। तीसरा पुश फ्रंट था, जो लिस्ट के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करता था फ्रंट की तरफ से। जो चौथा फंक्शन था वो था पुश बैक, जो लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता था पीछे की तरफ से। जो फिफ्थ था वो था बिगिन, ये रिटर्न करता था आइटरेटर, जो पॉइंट करता था लिस्ट के अंदर रखी फर्स्ट वैल्यू को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एंड, जो रिटर्न करता था आइटरेटर, जो पॉइंट करता था लिस्ट के अंदर रखी लास्ट वैल्यू को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉप बैक, जो लिस्ट के अंदर रखी लास्ट वैल्यू को हटाने के लिए यूज करता था, डिलीट करने के लिए यूज होता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉप फ्रंट, जो लिस्ट के अंदर रखी फर्स्ट वैल्यू को हटाने के लिए, इरेज करने के लिए यूज होता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एम्प्टी फंक्शन, जो हमें रिटर्न करता था ट्रू या फॉल्स। अगर लिस्ट खाली होता था तो वो ट्रू रिटर्न करता था, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता था। उसके बाद हम लोगों ने जो 10वां फंक्शन देखा था वो था इरेज, जो यूज़ होता था लिस्ट के अंदर रखी एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू को या फिर किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज को डिलीट इरेज करने के लिए हम इस इरेज फंक्शन का यूज़ करते थे लिस्ट के अंदर। उसके बाद था क्लियर, जो पूरे के पूरे लिस्ट को ही डिलीट करने के लिए यूज़ होता था, मतलब बेसिकली जो भी इसका साइज था वो साइज को जीरो कर देगा, सारे के अंदर के रखे जो भी वैल्यूज है वो सब हट जाएंगे। इस वीडियो में हम इन सभी फंक्शन को लेकर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हमें एक गिवन नंबर ऑफ टी टेस्ट केसेस के लिए यूजर से 2 नंबर लेने हैं। जो पहला नंबर होगा वो एक लोअर लिमिट होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो एक हायर लिमिट होगा। और इस लोअर और एक हायर लिमिट के नंबर के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सभी नंबर को जो है हमने लिस्ट में पुट करना है, अलग अलग लिस्ट में इनपुट करवाना है। जो पहला जो लिस्ट होगा उसके अंदर हम सारे प्राइम नंबर्स को रखेंगे, जो दूसरा लिस्ट होगा उसमें हम सभी इवन नंबर्स को रखेंगे, और जो तीसरा जो इनपुट होगा, जो तीसरा लिस्ट जो होगा उसके अंदर हम सारे ऑड वैल्यूज को रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टी टेस्ट केस लेंगे, उसके बाद हम 2 नंबर लेंगे जो लोअर एंड हायर नंबर्स को इनपुट करेंगे, और उन दोनों ही रेंज के बीच में जो भी नंबर्स होंगे हम उन्हें सब नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लिस्ट में डालेंगे। जो प्राइम नंबर्स होगा उसे प्राइम नंबर के लिंक लिस्ट में, प्राइम वाली लिस्ट में डालेंगे, जो इवन नंबर होंगे उसे इवन वाली लिस्ट में डालेंगे, और जो ऑड होगा उसे हम ऑड वाली लिस्ट में रखेंगे। और इन सभी वैल्यूज़ को लिस्ट में रख करके उन्हीं सभी लिस्ट के अंदर के रखी एलिमेंट्स को आउटपुट करवाएंगे, और प्लस उनके सम को भी हमें शो करेंगे। ये रहा उस पहले क्वेश्चन का कोड, जिसमें मैंने सबसे पहले टी लिया है टेस्ट केसेस के लिए, उसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया है वाइल टी माइनस माइनस, और फिर मैंने 2 वैल्यू इनपुट करवाई है, लो एंड हाई, ये वही रेंज है। उसके बाद मैंने तीन लिस्ट बनाई है, पहला LP, LE, LO, नाम से क्लियर है, जो लिस्ट प्राइम नंबर कंटेन करेगी, ये लिस्ट जो इवन नंबर कंटेन करेगा, और ये लिस्ट जो ऑड नंबर करेगा। इसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, लो से लेकर हाई तक चलेगा, और मैं एक एक करके चेक करूंगा कि जो आई है वो प्राइम नंबर है। अगर वो इस प्राइम एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू फुट करूंगा जो मुझे बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर वो नंबर प्राइम होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। इसकी प्राइम नंबर, इस प्राइम जो फंक्शन है इसका कोड हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर अभी के लिए आप ये समझ लो कि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट नंबर जाता है जो ये चेक करके देगा
कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो आई अगर प्राइम है तो एलपी में पुश फ्रंट कर दूंगा, अगर वो इवन है, इवन चेक करने के लिए तो सिंपली आई मॉड्यूलो 2 के इक्वल टू 0 होगा तो वो इवन नंबर है, तो मैं उसे LE मतलब लिस्ट इवन में मैं पुश फ्रंट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मॉड्यूलो 1 है तो वो ऑड नंबर होगा और उसे मैं LO में पुश फ्रंट कर दूंगा। इसके बाद मैंने एक सम सम नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं एक फॉरवर्ड लिस्ट सॉरी लिस्ट लिस्ट टाइप की वैल्यू को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और वो मुझे सम का वैल्यू दे देगा। और यही सम जो फंक्शन है मैं इसे इवन लिस्ट के लिए कॉल करूंगा और फिर सॉरी यही सम जो फंक्शन है वो मैं इवन लिस्ट के लिए इवन लिस्ट जो इवन नंबर कंटेन करेगा उसके लिए भी कॉल करूंगा और सिमिलरली ऑड के लिए भी। सबसे पहले हम इस प्राइम फंक्शन को देख लेते हैं वो काम कैसे करेगा। ये जो इस प्राइम का फंक्शन जो है ये चेक करने के लिए यूज होता है कि जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट में जो नंबर आया है वो ये बताएगा कि ये फंक्शन बता देगा कि वो इवन है कि सॉरी प्राइम है ये नहीं। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एल्गोरिदम है प्राइम नंबर पता करने के लिए। ये ऐसे काम करता है कि अगर एन वन है तो फॉल्स होता है, वन जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वन जो होता है वो केवल एक ही नंबर से डिविजिबल होता है वो है इटसेल्फ यानी वन। दूसरा फिर मैंने एक और इफ एल्स में लिखा है कि अगर वो टू है तो ऑफ कोर्स वो प्राइम नंबर है इसलिए मैंने ट्रू रिटर्न करवा दिया। और टू के अलावे अगर कोई और नंबर जो इवन होता है वो कभी प्राइम नंबर नहीं होता तो सिंपली यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। उसके बाद जो है कि फॉर लूप चलाएंगे 3 से क्योंकि 1 2 कवर हो चुका है तो 3 से चलाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ उस नंबर से यानी आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम से और आई प्लस प्लस। और अगर एक बार भी नम जो है इस नंबरों के बीच में से किसी से डिविजिबल हो जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे अदरवाइज ट्रू। सिंपल सा एल्गोरिथम था इस प्राइम फंक्शन का जो ये चेक करके बता देगा कि जो नंबर है वो इवन सॉरी प्राइम नंबर है या नहीं। तो जो हमने यहाँ पर इस प्राइम देखा था वो वहाँ से कॉल होकर के हमें पता चल जाएगा कि वो प्राइम है कि नहीं, तो ये यहाँ पे ऐसे काम कर रहा था। इसका जो था वो सम फंक्शन था सम सॉरी। तो हम जो है इनपुट में सॉरी आर्ग्यूमेंट में एक लिस्ट लेंगे और एस एक वेरिएबल बनाकर उसको 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे और एक लूप चलाएंगे जो लिस्ट बिगिन से एंड तक चलेगा और उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको जो है पहले हम प्रिंट करवा देंगे और उस एस वेरिएबल में हम असाइन प्लस प्लस इक्वल टू स्टार आई करके हम जोड़ते जाएंगे और लास्ट में सम जो है एस वेरिएबल जो है जो इनिशियली 0 था और जब जितनी बार लूप चला उतनी बार वैल्यू सम हुई और जो आखिर में जो है हम उस सम की वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। इसी चीज़ को हम लोग जो है एक और तरीके से कर सकते हैं व्हाइल लूप का यूज़ करते हुए। इसमें इस केस में जो है क्या करेंगे कि सिमिलरली हम ऐसे एक वेरिएबल बनाएंगे जो 0 से इनिशियलाइज होगा और हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे जो तब तक चलेगा जब तक लिस्ट जो है एम्प्टी नहीं हो जाता और मैं फ्रंट की वैल्यू को प्रिंट करवाता रहूँगा और फ्रंट की वैल्यू को ही एस वेरिएबल में प्लस करता जाऊँगा और लास्ट में इसको पॉप करता रहूँगा। और ये पॉप होएगा तो हर बार एक 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 करके जो लिस्ट के अंदर रखी वैल्यू है वो हटती जाएगी और एंड में लिस्ट जो है वो खाली हो जाएगा और इस फंक्शन के लास्ट में मैं एस वैल्यू को रिटर्न करवा दूंगा जो सम कंटेन कर रहा है। सिंपल का कोड था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है हम एक टी लेंगे जो गिवन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए हमारा जो ये कोड चलेगा और इस क्वेश्चन में हम पहले एक एन और एक एम लेंगे। ये जो एन है वो लिस्ट वन का होगा साइज और एम टू है वो लिस्ट टू का होगा साइज। बेसिकली जो है हमें दो लिस्ट लेने हैं एन और एम साइज के, ये सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं और इनमें रखी सारी वैल्यूज का जो है सम हमें रिटर्न करवाना है। जैसे लिस्ट वन में अगर मान के चलिए 2 3 4 एलिमेंट है और लिस्ट वन में ही सारे वैल्यूज हैं और लिस्ट टू में जो है ये 5 6 7 है तो हमें रिटर्न क्या करवाना है इन सबका सम यानी 2 प्लस 5
सेवन, थ्री प्लस सिक्स नाइन एंड फोर प्लस सेवन इलेवन। हमें ये सारी वैल्यूज़ को एक तीसरे लिस्ट लिंक तीसरे लिस्ट में असाइन करके वही जो है हमें रिटर्न करवाना है। तो हमारा आउटपुट कुछ यूँ आएगा। ये तो तब की बात थी जब हमारा दोनों के ही लिस्ट का साइज सेम हो, लेकिन अगर अलग अलग हुआ जैसे टू थ्री एंड फोर और हमारा जो दूसरा लिस्ट है उसका साइज अलग जैसे थ्री टू वन एंड सिक्स, तो हमारा जो जो हमारा नेट आंसर है वो फाइव 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 एंड सिक्स होगा। आई होप यार आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन। तो लिस्ट के अंदर रखी एक एक एलिमेंट को जो है हमें जोड़ना है और जो रिजल्ट आएगा उसे एक तीसरे लिस्ट में असाइन करके प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट टाइप का दो वेरिएबल बनाए हैं L1 एंड L2। इनको मैंने ग्लोबली बनाया है। ग्लोबली बनाने का यह फ़ायदा होता है कि अगर मैंने इनको ग्लोबली बनाया है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में t लिया है और while t माइनस माइनस किया है, और उसके बाद मैं जब भी अगर मान के चलिए मैं एक लिस्ट को अगर ग्लोबली ना बनवा करके इस लूप के अंदर बनाता, तो जब जितनी बार ये टेस्ट केसेस के लिए ये लूप चलता while लूप, उतनी बार जो ये लिस्ट है ये दो जो लिस्ट मैंने बनाई ये बार बार बनते हर टेस्ट के लिए। इससे मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता था, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली बनाया। तो मैंने सिर्फ एक ही बार जो है लिस्ट वन और लिस्ट टू बनाई, और जब भी इसका यूज़ होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट वैल्यू जो लास्ट टाइम जो आपने लिस्ट में जो भी वैल्यूज़ रखी थी उन्हें दोबारा यूज़ करने के लिए, जो लास्ट टाइम रखी वैल्यूज़ को हटाने के लिए हमने क्लियर फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अगर मुझे अगली बार अगर जब भी लिस्ट को यूज़ करना होगा तो मेरे को एकदम नया वैल्यूज़ मिले, मतलब पूरा खाली वैल्यू जो मुझे पूरा खाली लिस्ट मिलेगा और जो पुरानी वैल्यूज थी वो सब हट जाएंगे। उसके बाद मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं एन एन एम साइज ऑफ लिंक लिस्ट लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, और एक एक करके मैंने पुश बैक किया है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि मैंने जो लिस्ट वन और लिस्ट टू है उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं मैंने पुश बैक किया है, और एक सम लिस्ट नाम का फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट लेता है दोनों ही लिस्ट टाइप की, और जो ये रिटर्न करता है उस वो भी एक लिस्ट टाइप का ही वैल्यू है। ठीक, अब हम सम लिस्ट नाम का जो है फंक्शन देखते हैं कि वो काम कैसे करता है। सबसे पहले मैंने सम लिस्ट नाम के फंक्शन को डिक्लेयर किया है और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट लिया है, एक सम नाम का वेरिएबल है और ये एक आंसर लिस्ट है जो मेन आंसर कंटेन करेगा, हमारे आंसर जो हमारा मेन आंसर रखेगा। तो मैं एक लूप वाइल लूप लगा दूंगा जब तक ये दोनों में से कोई एक खाली ना हो जाए, बीच में एंड है तो कोई भी एक फॉल्स हुआ तो बाहर आ जाएगा, और जो कि आगे एंड है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स। तो हमारा लिस्ट वन, हमने लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दोनों ही पास किए थे जो इनिशियली दोनों ही खाली नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या लिस्ट वन खाली है, तो ये रिटर्न करेगा नहीं, और आगे मैंने एंड लगाया हुआ है तो नहीं, तो ये रिटर्न कर रहा था फॉल्स और इसने एंड लगाया तो आगे वो ट्रू कर देगा। सिमिलरली इसके लिए भी, और ये जब तक चलता जाएगा जब तक कोई एक फॉल्स ना हो जाए या फिर दोनों फॉल्स ना हो जाए। तो मैं आंसर लिस्ट में पुश फ्रंट करूंगा। ध्यान देखिएगा कि जब मैंने लिस्ट वन और लिस्ट टू में जो वैल्यू इंसर्ट करवाई थी वो पुश बैक से करवाई थी, और मैं आंसर जो है पुश फ्रंट से कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा नेट आंसर आएगा वो उल्टे ऑर्डर में आएगा। तो मैंने आंसर लिस्ट में लिस्ट वन की फ्रंट की वैल्यू और लिस्ट टू की फ्रंट की वैल्यू को इंसर्ट करवाया और दोनों को एक एक करके पॉप कर दिया इस, और ये लूप जब तक चलेगा जब तक इन दोनों में से कोई एक खाली ना हो जाए या फिर दोनों ही खाली ना हो जाए। तो मैं बाहर आकर चेक करूंगा कि बाहर आने का कंडीशन क्या था, क्या वो दोनों ही खाली थे या फिर कोई एक खाली था। अगर दोनों ही खाली थे तो मैं सिंपली जो आंसर लिस्ट में वैल्यूज होंगी सारी मैं वो सब रिटर्न करा दूंगा, या फिर मैं ये चेक कर लूंगा कि कौन खाली था। अगर एल सेकेंड लिस्ट खाली होगी, अगर सेकेंड लिस्ट खाली हो गया होगा मतलब सारा फर्स्ट में अभी भी वैल्यू होगा, और लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू खाली हो गया होगा सॉरी लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू जो है वो खाली हो गया होगा तो मैं तब तक चलाऊंगा जब तक लिस्ट टू खाली ना हो जाए, और मैं फ्रंट
और इस बार जो है मैं आंसर में सिंपली पुश फ्रंट करूंगा और उसे पॉप करता जाऊंगा जो वैल्यू बच गई है। इस बार मुझे कोई ऐड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहला जो लिस्ट होगा वो पूरा ख़त्म हो चुका है और जो दूसरा लिस्ट जो बाकी है उसमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आंसर लिस्ट में सिंपली उसे पुश फ्रंट करता जाऊंगा और लास्ट में आंसर जो लिस्ट है वो रिटर्न करवा दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने इनपुट पुश बैक से लिया था और मैं यहाँ पे ऑपरेशन जो भी प्लस का है मैं फ्रंट से कर रहा हूँ, तो आंसर जो हमारा आएगा वो रिवर्स में ऑर्डर में आएगा। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर फ्रंट लिस्ट की सॉरी सम लिस्ट की का जो आंसर है वो मैंने जैसे L3 में असाइन किया तो हमारा आंसर जो था वो रिवर्स में आया। इसीलिए मैंने उसे आखिर में रिवर्स फंक्शन कॉल की मदद से जितने भी उसमें आंसर थे वो उल्टे ऑर्डर में हो जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो अच्छा दिखेगा। जैसे मान के चलिए अगर मेरा लिस्ट 1 में वैल्यूज़ होती 2, 3, 4 और लिस्ट 2 में वैल्यूज़ होती 1, 2, 3, 4, तो अगर ये रिवर्स ना लिखता तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आता, इन दोनों का सम यहाँ पर आ जाता यानी 3, इन दोनों का सम यहाँ पर आता यानी 5, इन दोनों का सम यहाँ पर आता 7 और ये 4 जो है वो फर्स्ट में आ जाता। तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता पर लेकिन जैसे ही मैंने ये रिवर्स फंक्शन कॉल किया तो मेरा जो ये आंसर है ये पलट जाएगा यानी 3 पहले आ जाएगा, 5 पहले आ जाएगा, 7 और फिर 4 ये हट जाएगा तो हमारा आंसर ये नेट आ जाएगा। तो 2 और 1 का सम 3 हो जाएगा, 3 और 2 का सम 5 हो जाएगा, 4 और 3 का सम 7 हो जाएगा और 4 सिंपली 4 हो जाएगा। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसके अंदर जो है हमें टी टेस्ट केसेस के लिए अपना कोड जो है रन करना है जिसमें हम एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे यूज़र से। ये स्ट्रिंग जो है अलग अलग पैरेंथेसिस से बना होगा, एक बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट, इन सब से बना होगा मिल करके ये स्ट्रिंग। और हमें ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है तो जो ये स्ट्रिंग है हमारा जो ये हमारी स्ट्रिंग है जो ब्रैकेट से बनी है तो हमें सिंपली बस ये रिटर्न करना है कि वो बैलेंस है या नहीं। ये रहा उस चेक करने के लिए कि हमारा जो ब्रैकेट्स के जो स्ट्रिंग्स हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं। सबसे पहले मैंने एक ट्री लिया है टेस्ट केसेस के लिए, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग इनपुट करवाया है यूज़र से और उसके बाद मैं एक पैरेंथेसिस चेकर जिसमें एक स्ट्रिंग जैसा एन आर्ग्यूमेंट पास होता है जो मुझे ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा कि वो एक बैलेंस्ड स्ट्रिंग है या नहीं। अगर वो होता है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा और अगर नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक, इस अगर वो ट्रू रिटर्न करता है तो मैं बैलेंस लिख दूंगा और अगर नहीं है तो मैं नॉट बैलेंस लिख दूंगा। बैलेंस पैरेंथेसिस मेरा फंक्शन कैसे काम करता है उसको समझाने के लिए, पैरेंथेसिस चेकर अगर ट्रू रिटर्न करता है तो मैं बैलेंस आउटपुट करवा दूंगा, अदरवाइज मैं नॉट बैलेंस आउटपुट लिख दूंगा। बैलेंस पैरेंथेसिस जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है मैंने जो एल्गोरिदम यूज़ किया है उसे मैं पहले आपको जो है वो समझाना चाहता हूँ। जैसे जैसे मान के चलिए अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है कुछ यूं, ये जो स्ट्रिंग है वो बैलेंस्ड है। ठीक, तो मेरा एल्गोरिदम में कुछ यू काम करेगा। पहले तो मैं एक लिस्ट बना दूंगा और मैं एक एक करके स्ट्रिंग के एक एक करेक्टर को मैं आइटरेट करूंगा और जब कभी भी मुझे लिस्ट में एक ओपन ब्रैकेट मिलेगा, जब कभी भी मुझे एक स्ट्रिंग में आइटरेट करते हुए एक ओपन ब्रैकेट मिलेगा तो मैं लिस्ट में पुश फ्रंट कर दूंगा वही सेम ब्रैकेट क्लोज में। जैसे मुझे एक ओपन बिग ब्रैकेट मिला है तो मैं लिस्ट में पुश फ्रंट कर दूंगा एक क्लोज बिग ब्रैकेट। सिमिलरली फिर मैं जब एक आगे इटरेट करूंगा मुझे एक मिडिल ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं लिस्ट में पुश फ्रंट कर दूंगा क्लोज मिडिल ब्रैकेट। फिर आगे बढ़ूंगा फिर मैं चेक करूंगा ये स्मॉल ओपन ब्रैकेट तो मैं क्लोज स्मॉल ब्रैकेट इसमें पुश फ्रंट कर दूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि फिर जब मैं देखूंगा आगे इटरेट करते हुए कि ये अब क्लोज क्लोज ब्रैकेट आ गया तो फिर मैं देखूंगा कि क्या जो ये मेरे पास जो अभी इटरेटेड जिस सॉरी जिस पॉइंट जिसको ये पॉइंट कर रहा है वो
लिस्ट के रखी फ्रंट वैल्यू के बराबर है कि नहीं। अगर वो बराबर होता है तो मैं उसे पॉप कर दूंगा। अगर जब क्लोज आएगा, अगर मैं वो ओपन ब्रैकेट होगा तो मैं वही सेम ब्रैकेट को क्लोज में इनपुट करवा दूंगा। फिर मैं आगे मूव करूंगा, फिर मैं जहाँ मुझे एक क्लोज ब्रैक ओपन ब्रैकेट मिला सॉरी क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं लिस्ट में फ्रंट रखी वैल्यू को चेक करूंगा कि क्या वो उसके बराबर है। अगर होता है तो मैं पॉप कर दूंगा। फिर से मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं लिस्ट में रखी फ्रंट वैल्यू को चेक करूंगा कि क्या वो उसके बराबर है, तो मैं पॉप कर दूंगा। फिर सिमिलरली जो है मैं मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं एक लिस्ट में रखी फ्रंट वैल्यू को देखूंगा कि वो उसे मैच करता है, तो मैं डिलीट कर दूंगा, पॉप कर दूंगा। और आखिर में ऐसे करते करते अगर मेरा लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो जाता है तो मैं रिटर्न ट्रू करवा दूंगा। इन केस अगर वो एम्प्टी नहीं होता तो मैं फॉल्स रिटर्न करवा देता। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये जो है वो नॉट बैलेंस्ड स्ट्रिंग है। इसे हम अपने एल्गोरिथम पे फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और मैं सबसे पहले एक एक करके करेक्टर को आइट्रेट करूंगा। जैसे ही मुझे एक कोई ओपन ब्रैकेट मिलता है तो मैं सेम ब्रैकेट में एक क्लोज में लिस्ट में इनपुट करवा दूंगा, पुश कर दूंगा। फिर से मुझे एक ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं इसे पुश फ्रंट कर दूंगा। सेम ही ब्रैकेट क्लोज वर्जन में मैं इसमें इनपुट करवा दूंगा, पुश फ्रंट करवा दूंगा। और फिर मैं इटरेट करता हूँ। इस बार मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला स्मॉल में, पर लेकिन फ्रंट की जो फ्रंट पुश लिस्ट में जो फ्रंट वैल्यू है उसके बराबर नहीं हुआ, तो मैं इस केस में जो है रिटर्न फॉल्स करवा दूंगा, है ना। दो और एग्जांपल है जैसे मैं समझाना चाहूंगा। जैसे ये जो स्ट्रिंग है ये नॉट बैलेंस्ड है, तो इसे हम देखते हैं। पहले मुझे एक ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं सेम एक क्लोज ब्रैकेट लिस्ट में पुश फ्रंट कर दूंगा। फिर से ओपन तो मैं फिर से क्लोज ब्रैकेट पुश फ्रंट, फिर से एक ओपन फिर से क्लोज ब्रैकेट पुश फ्रंट, फिर से ओपन फिर से क्लोज ब्रैकेट पुश फ्रंट एक लिस्ट में। और जैसे ही एक क्लोज ब्रैकेट लिस्ट में आया आइट्रेट करते हुए, तो मैं लिस्ट के में रखी फ्रंट वैल्यू को इसे चेक करूंगा। अगर वो दोनों बराबर होता है तो मैं इसे पॉप फ्रंट कर दूंगा। सिमिलरली फिर से मैंने आइट्रेट किया तो मुझे एक वो क्लोज ब्रैकेट मिला, तो मैं लिस्ट में रखी फ्रंट वैल्यू से चेक करूंगा। अगर वो दोनों बराबर है तो पॉप फ्रंट कर दूंगा। फिर से मैंने आइट्रेट करते हुए एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं फ्रंट पे रखी वैल्यू उसको चेक करूंगा। अगर दोनों बराबर हो तो पॉप फ्रंट कर दूंगा। फिर से मैं आइट्रेट करते हुए चेक करूंगा कि क्या क्लोज ब्रैकेट फ्रंट के रखी वैल्यू से बराबर है, तो फिर से मैं उसे पॉप कर दूंगा। ऐसा करते करते पूरी लिस्ट खाली हो गई, फिर भी मेरे पास एक कैरेक्टर जो है वो बच गया और मैं इसमें से देख नहीं सकता क्योंकि लिस्ट जो है वो खाली हो चुका है। इस केस में भी मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये भी जो एक स्ट्रिंग है ये भी नॉट बैलेंस्ड है, तो एक एक करके हम सेम एल्गोरिथम पे अपना कोड रन करते हैं। जैसे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। मुझे एक ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं लिस्ट में पुश फ्रंट कर दूंगा एक क्लोज ब्रैकेट। फिर से मुझे एक ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं फिर से पुश फ्रंट कर दूंगा एक क्लोज ब्रैकेट। फिर से ओपन मिला तो मैं इसमें क्लोज ब्रैकेट। फिर से ओपन मिला तो मैं पुश फ्रंट कर दूंगा एक क्लोज ब्रैकेट। फिर से मुझे ओपन ब्रैकेट मिला तो मैं पुश फ्रंट कर दूंगा एक क्लोज ब्रैकेट। अगर मुझे स्ट्रिंग में आइट्रेट करते हुए कोई भी एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं लिस्ट की रखी पहली वैल्यू को चेक करूंगा। अगर वो दोनों बराबर है तो मैं इसमें पॉप कर दूंगा। फिर से मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो मैं फ्रंट में रखी वैल्यू को चेक करूंगा। ये दोनों बराबर में तो इसमें हटा दूंगा, पॉप कर दूंगा। फिर से मैं आइट्रेट करते हुए जो है चेक करूंगा कि क्या ये दोनों आइट्रेट करते हुए मुझे एक क्लोज ब्रैकेट मिला तो क्या ये फ्रंट के वैल्यू के बराबर है, तो मैं फिर से इसे पॉप कर दूंगा। फिर से मैं एक मूव करते हुए जो है एक क्लोज ब्रैकेट की तरफ आया तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये फ्रंट में रखी पहले वैल्यू के बराबर है, तो मैं फिर से इसे पॉप कर दूंगा। इस केस में मैंने पूरा ही जो है स्ट्रिंग को आइट्रेट कर दिया,
पर लेकिन फिर भी जो मेरा लिस्ट है वो खाली नहीं हुआ, इस केस में भी मैं जो है रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि सारा ट्रू और फॉल्स कब कब होगा। तो आइए अब इसका हम एक लास्ट का जो बचा हुआ कोड है वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया था। अब जो चेक पैरेथिसिस में जो फंक्शन है उसमें हम एक स्ट्रिंग लेंगे, वही ब्रैकेट्स वाले सारे। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है एलएस नाम की, जिसे मैं एक एक करके आइटरेट करता जाऊंगा। तो जैसे मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको एक ओपन ब्रैकेट मिले, वो चाहे स्मॉल ब्रैकेट हो, वो चाहे मिडिल ब्रैकेट हो, चाहे बिग ब्रैकेट हो, वो इन तीनों में से अगर कोई भी एक ओपन ब्रैकेट अगर आपको मिलता है, तो आप सिंपली एलएस जो लिस्ट है उसमें आप सिंपली आप पुश फ्रंट कर दोगे, पुश फ्रंट। वही सेम ब्रैकेट क्लोज में, सेम ब्रैकेट इन क्लोज वर्जन जो है आप उसे पुश फ्रंट कर दोगे। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कोई मिलता है तो आप चेक करोगे कि क्या लिस्ट खाली तो नहीं, या फिर जो फ्रंट की वैल्यू है वो इस पर्टिकुलरली जो करेक्ट जो ब्रैकेट अभी जिस जिसे ये पॉइंट कर रहा है उसके बराबर तो नहीं, अगर वो एम्प्टी है या फिर बराबर नहीं है। इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन आती है तो सिंपली जो है हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे, जैसा आपने इस वाले एग्जाम्पल में समझा था। इस केस में जो है हमारे लिस्ट में जब जो पॉइंटर जो है जो पॉइंट करने लगता है इसको, इस थर्ड एलिमेंट थर्ड कैरेक्टर को, जो स्मॉल स्मॉल क्लोज ब्रैकेट है, तो हमारी लिस्ट में इनिशियली पहले एक स्मॉल ब्रैकेट गया था क्लोज में, और उसके बाद था एक ये मिडिल ब्रैकेट। तो जो ये दोनों बराबर नहीं था तो जो है हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवाते रहे थे। और अगर बराबर होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल में आपने देखा था, जैसे ये सिंपली सिंपल वाला एग्जाम्पल जो था ये आपने देखा था, तो जो है बार बार जो है आप पॉप करते जाओगे दोनों बराबर है तो, और आपका जो लिस्ट है वो पूरा खाली हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही आप करते करते पूरा का पूरा जो है स्ट्रिंग को जो है आपको मूव करना है। पूरा मूव करने के बाद जो बचेगा, सॉरी, वो आपको देखना है कि वो खाली है तो नहीं, खाली है कि नहीं। अगर अगर आपका लिस्ट जो है वो खाली रहता है, अगर आपका लिस्ट जो है वो खाली हो जाता है, तो मतलब ट्रू कंडीशन है, वो बैलेंस्ड है, ये वाला जैसे कंडीशन। इस केस में जो है आपका लिस्ट जो है वो खाली हो चुका था, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था। उस केस में आपका लिस्ट पूरा खाली हो गया था तो हम रिटर्न करवा देंगे ट्रू। और अगर खाली नहीं हुआ था, जिसे हमने लास्ट केस में देखा, लास्ट एग्जाम्पल में सॉरी, तो उस केस में जो है हमने फॉल्स रिटर्न करवाना है। बेसिकली लिस्ट खाली है तो ट्रू रिटर्न करवाना है, और लिस्ट खाली नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। एग्जैक्ट वैसे ही काम करवाना है जैसे लिस्ट एम्प्टी काम करता है। इसलिए मैंने कंडीशन ना लगा करके लिस्ट एम्प्टी फंक्शन को ही रिटर्न करवा दिया, क्योंकि अगर लिस्ट खाली होगा तो ट्रू रिटर्न करवा देना है, और लिस्ट खाली नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करवा देना है। सेम वैसे ही यहाँ पे काम करना है जो एम्प्टी फंक्शन जैसे काम करता है। आई होप आपको बहुत सारे फंक्शंस का जो भी कैसे कैसे काम करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। जो पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों ने जो देखा था, जिसके अंदर जो हमने दो नंबर लेते थे एज अ रेंज, और लिस्ट के अंदर प्राइम नंबर को अलग अलग रखते थे, इवन नंबर्स को अलग अलग रखते थे, और ऑड नंबर्स को सभी को अलग अलग रखते थे। ये क्वेश्चन मेरा करवाने का यही मोटो था, कि आप कुछ कुछ फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, लिस्ट के कुछ कुछ फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं वो आपको जो है पता चल जाए। जो सेकंड क्वेश्चन था, जिसके अंदर जो है हम दो लिस्ट लेते थे इनपुट यूज़र से, और उन दोनों ही लिस्ट का जो सम है वो एक तीसरे लिस्ट में असाइन करके वही रिटर्न करवा रहे थे। इस क्वेश्चन में जो मैंने वैल्यूज जो इनपुट करवाई थी लिस्ट के अंदर वो पॉप बैक करवा के करवाया था, और जो सम वाला ऑपरेशन था वो मैंने फ्रंट की वैल्यू से करवाया था, एकदम क्यू जैसा। जैसे क्यू में होता है कि हम वैल्यूज को लास्ट में इंसर्ट करवाते हैं, और फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट जो आता है वैल्यू उस पे हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर। क्यू में जो फ्रंट वैल्यू होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसी पे ऑपरेशन होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हम केवल एक एंड से ही हम काम कर रहे थे, जैसे हम वैल्यूज को भी पुश फ्रंट ही करवा रहे थे, और चेक हम लगाए हुए थे कि या वो बराबर है या नहीं है जो भी, तो हम फ्रंट की वैल्यू को ही चेक कर रहे थे। मतलब
पुश भी फ्रंट कर रहे थे और चेकिंग भी फ्रंट से ही कर रहे थे, एकदम स्टैक जैसा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लिस्ट होता है ना वो दोनों ही तरफ से ओपन होता है, दोनों ही तरफ से वो ओपन होता है। आप एक दोनों ही तरफ से वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हो और दोनों ही तरफ से आप वैल्यूज को आउटपुट भी, सॉरी मतलब डिलीट भी कर सकते हो। वो दोनों ही एंड ओपन होते हैं। फॉरवर्ड लिस्ट यानी सिंगली लिंक लिस्ट में ये होता है कि वो एक तरफ से सीज होता है, आप केवल एक एंड से ही वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हो और डिलीट करवा सकते हो। डबली लिंक लिस्ट में यही फायदा होता है कि आप इसे चाहे तो स्टैक की तरह भी यूज कर सकते हो, आप इसे क्यू की तरह भी यूज कर सकते हो, आप क्यू का उल्टा भी आप इसमें इसका यूज कर सकते हो, जैसे चाहे आप लिस्ट को वैसे यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आप लिस्ट को चाहे वैसे सेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम। थैंक्स।